इसने क्या छोड़ दिया? कौन है? कौन है? मुझको किसने बुलाया? अरे बेटा आंखें खोल, आंखें खोल, अपनी दुनिया इतनी बुरी नहीं है। क्या हुआ था बच्चे? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम टेस्ट कर रहा था कि दुर्घटना होने पर आप सब लोग कितनी जल्दी आ पहुंचते हैं। देख बेटा, कुछ लोग दिल के मरीज होते हैं, दुर्घटना टेस्टिंग में दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे भी लाला जी को हमने स्टेशन पहुंचाना है, ऊपर नहीं। मेरा मतलब है, इनका सामान गाड़ी में रख दिया ना जी, तो लाला जी को छोड़ने कौन कौन जाएगा स्टेशन? डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैं अपनी पूंजी यहाँ छोड़े जा रहा हूँ बंबई में। घटिया बेकार जैसी भी है यही है, आपके कहने पे मैंने इसे दुकान तो खरीद दी है। वैसे तो ये दुकान पर ही बैठेगा और दुकान ही चलाएगा, पर आप जरा ध्यान रखना, ये दुकान ही चलाए, मुझे ना चला जाए। और फिकर मत करो लाला जी, अपना प्रेम खूब कमाएगा। वो तो पता है जी, गवाएगा। और मैंने क्या देखना है, अब आप ही ने देखना है। अरे वो कह रहे हैं कमाएगा कमाएगा, गाएगा। और अब क्या गाएगा, इसलिए तो मैं इसे बंबई नहीं भेज रहा था। ठहरिए लाला अंकल, प्रेम भैया कह रहे हैं। अच्छा, कमाएगा, नोट कमाएगा। अरे नोट तो बेटा तब कमाएगा ना जब माल बेचेगा। माल कहाँ इसके पास? अरे वो मैं बैंक से लोन ले लूंगा ना। ओए फोन लेके फोन पे क्या बेचेगा तू? अरे अरे प्रेम बेटा, तू कहाँ चल पड़ा? इसमें बैटरी किसने डाल दी? फिक्र मत कर, बैठ जा, मैं बात करता हूँ। लाला जी। हाँ जी। जब आपने धंधा चला लिया, आपके बाप ने धंधा चला लिया, आपके बाप के बाप ने धंधा चला लिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि अपना प्रेम भी धंधा जमा लेगा। बात ये है जी, ये फसल थोड़ी खराब निकल आई है, तो इसको इसके अपने हाल पे छोड़ दो ना, और आप निकल लो, ट्रेन का वक्त हो रहा है। हाँ, ओ एक बात बताना तुम्हें भूल गया, ये नलायक हमेशा छाती पे फोन रखता है और सोता भी उसके साथ है। पता ये लगाना है कि परली तरफ फोन किसने पकड़ के रखा हुआ है। ओ लाला जी, जाहिर है कोई लड़की होगी। लड़की तो होगी जी, जब बिल इतने बड़े बड़े आएंगे। मुझे लगता है कि परली तरफ कोई लड़की ना हो, आपका क्या ख्याल है? लाला हाँ? मैंने तेरा कुछ देना है तो फिर मेरी क्यों ले रहा है जान? चल चले। क्या लेके चलूं? अरे प्रेम चल, मैं तुझे तेरी दुकान पे मकान पे, मेरा मतलब दुकान जो मकान है वहां छोड़ देता हूँ, चल। अरे किधर जा रहे हैं? वो चलना नहीं है। चल। अच्छा अनु, प्रीति जी से कह देना लाइन क्लियर है, दुकान चलाने आ जाए। प्रेम भैया, या तो दुकान चल सकती है या तो प्रीति दीदी चल सकती है, प्रीति दीदी के साथ दुकान नहीं चल सकती। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जब प्रीति जी चलती है तो सारी कायनात थम जाती है। मैं चलता हूँ। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसका मतलब है अगर बेटा लायक है तो दुकान लेने की कोई जरूरत ही नहीं, और अगर बेटा ना लायक है तो भी दुकान लेने की कोई जरूरत नहीं।
प्रीति तुम छुप छुप के धीरे धीरे कहाँ जा रही हो? वो मैं धीरे चलने की प्रैक्टिस कर रही थी। आपने कहा ना मेरी सेहत नहीं बनती, धीरे चला करो, इसीलिए। अब कह रहा हूँ चलो ही मत, क्योंकि बाहर की हवा ठीक नहीं चल रही, लड़कियां बिगड़ रही हैं, घर का दफ्तर है वहीं काम किया करो। पर मुझे तो बहुत बड़े आदमी ने बहुत बड़ा काम दिया है। और ये जो इतना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, वो जो कह रहा है तुम वो सुनोगी। पर नो पर, सिर्फ चल चल। I'm a man of few words. मम्मी सुन लिया? क्यों जी, आपने तय कर लिया कि आपने मेरी बच्ची का दिल दुखाना है? और तुमने ठेका ले लिया है कि मेरी हर बात को ठुकराना है? माँ बेटी की मैंने बात मानी और तुम्हें वो चित्रकारी की पढ़ाई करने दी, अब मेरी बात मानो और दफ्तर को संभालो। सुनो जी, आपका काम ना रोड़े पत्थरों का है, हिसाब किताब का है, और दोनों में ही नाजुक लोग नहीं चलते। नाजुकता क्या है अगर देखना है ना, तो अपनी लड़की की तरफ देख लो। लड़की की ही सोच रहा हूँ, आजकल बाहर हवा ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए भेजा था ना खुशी को बाहर, ऐसी हवा लगी है आज तक मेशी रो रहा है। इसका मतलब हमारी बच्चियां बाहर ही नहीं जा सकती? ये तो गलत बात है भाई। मुझे अफसोस है, बट नो मीन्स नो। जरा सोचिए, बेचारे के दिन ही कितने रह गए। कर लेने दीजिए ना मनमानी, फिर तो कल उसने अपने घर चले ही जाना है। कल शिफ्ट कर रही हो? नया घर ले लिया, बताया भी नहीं। मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ जी। तो शादी करे, लेकिन घर छोड़ने की क्या जरूरत है? मैंने तय किया है, जो लड़का प्रीति से शादी करेगा वो शिफ्ट होगा, प्रीति शिफ्ट नहीं होगी। ऐसे थोड़े ही होता है, कोई भी पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का ऐसा नहीं करेगा। तो हम प्रीति के लिए कम पढ़ा लिखा और बेरोजगार लड़का ढूंढ लेंगे। सच्ची तो ढूंढना क्या है, वो तो क्या, सॉरी, क्या हो गया आपको? लोग अपनी बेटी के लिए समझदार और होनहार दामाद ढूंढते हैं और आप? चारू तो हम बनाएंगे ना उसे होनहार और समझदार, हमारे साथ यहाँ रहेगा तभी तो हमारे जैसा बनेगा। बस भी कीजिए ना, ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा, सुना आपने? कब नहीं सुना, लगता है तुमने नहीं सुना प्रीति। सुना, लाओ, मेरा मतलब जाऊं? जाओ, लेकिन सीधे दफ्तर में, और वहां जाके बैलेंस शीट टैली करो, मैं आ रहा हूं चेक करने। मम्मी। चुप, नो मोर मम्मी। आई विश। सुनिए। यू सुनिए, हिम्मत आई है तो अब आप सुन लीजिए, इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, जो मैं कहूंगा वही होगा, क्योंकि मैं हेड ऑफ अ फैमिली हूं। मम्मी अब क्या होगा? जब गुस्सा ठंडा होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। पर अब जो पापा को ठीक लगेगा वो ही होगा, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है ना, तो मैं नेक ऑफ द फैमिली हूँ, और नेक जिधर चाहे हेड को घुमा सकता है। अरे प्रीति जी आइए आइए, प्लीज़ आइए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि फर्नीचर किधर कैसे सजाऊं दुकान में, आप सजा दीजिए ना। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी इंटीरियर डेकोरेटर नहीं बन सकती। क्या क्या, अरे ऐसा मत कहिए, मेरा क्या होगा और मेरा छोड़िए मेरे बाप का क्या होगा जिसने दुकान खरीदी है। आप मेरा भी तो सोचिए, जिसके पापा ने घर के बाहर काम करने को सख्ती से मना किया है। अरे आपके पापा कोई तोप है, कोई हिटलर है, राजपूत का वचन है जो पिघलाए नहीं जा सकते? जब मैं अपने महाकंजूस बाप से ये दुकान खरीदवा सकता हूँ तो आप अपने पापा को थोड़ा मना नहीं सकती? मैं अपने पापा से सिर्फ डर सकती हूँ। ऐसा मत कहिए, ये दुकान महज दुकान नहीं, हम दोनों का सपना है, ख्वाब है, जो हसरत भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है। देख रहा है? कौन देख रहा है? ख्वाब? सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा ने भी ये ख्वाब देख लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इस तरह डरेगी तो अपने अरमान कैसे पूरा करेंगी आप?
आपके अंदर का कलाकार तो जीते जी मर जाएगा, और ये लॉस सिर्फ आपका नहीं पूरी दुनिया का होगा, क्योंकि प्रीति जी दुनिया को जो आप दे सकती हैं वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। क्या? आप में वो जादू है जो किसी में नहीं। कहाँ है? आपके हाथों में, आपकी पेंटिंग्स में। आप क्या खेलती हैं आप रंगों से। अरे मेरा नहीं तो कम से कम उन कला के पुजारियों का तो कुछ सोचिए, उन्हें तो अपनी कला से महरूम ना रखिए। नहीं रखूंगी, महरून कलर तो मैं दीवारों पे करा दूंगी। पर मैं सोच रही हूँ मेरे अंदर का जो कलाकार आपने जगा दिया है उसका क्या करूँ, रोज रोज यहाँ कैसे आ पाऊंगी। अरे बहाने बनाकर, छुप छुप कर, झूठ बोलकर, कैसे भी। झूठ बोलना क्या ठीक होगा? अरे वो तो हर कलाकार बोलता है, लेकिन जब वो कलाकार महान कलाकार बन जाता है ना, तो दुनिया उसके हर झूठ हर जुर्म को भुलाकर उसे पूजने लगती है। प्रीति जी, जब हमारी ये दुकान तैयार हो जाएगी ना, तो फीता काटने के लिए हम आपके पापा को ही बुलाएंगे। हाँ, पापा को फीता काटने का बहुत शौक है, बहुत खुश हो जाएंगे। और ना पापा खुशी में अपनी याददाश्त खो बैठते। तो आपकी हंसी को मैं हाँ समझूं? हाँ भाई हाँ, कल से ही शुरू कर देते हैं। आप एक काम करिए, आप चार आदमी, कुछ लकड़ियाँ और सफेद कपड़ा वगैरह मंगवा लीजिए। प्रीति जी, आप दुकान सजा रही हैं या मेरी आरती सजा रही हैं? ये सामान तो दुकान में भी ये सब सामान लगता है। यहाँ का ये तोड़ दूंगी, ये भी तोड़ दूंगी, इसको भी तोड़ दूंगी। यहाँ का सब कुछ तोड़ के नए सिरे से बनाऊंगी। अरे तो क्या दरों दीवारें भी तोड़ देंगी क्या? हाँ तो उसे काम करा रहा है ना, और आपने कहा था मेरे काम के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ हाँ कहा था, और ये भी कहा था कि जब आप काम करेंगे तो मैं आपको देख देख कर शेर कहूंगा। एक शेर तो कह भी दिया है, सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए। तुम्हें ख्वाब थे जिसमें खुद खो गए हम, तुम्हें ख्वाब थे जिसमें खुद खो गए हम, तुम्हें याद आए तो क्या याद आए हम। प्रीति जी, शेर अच्छा लगे तो वाह वाह कहते हैं, और बहुत अच्छा लगे तो इरशाद कहते हैं। कुछ समझ में आएगा तो बोलूंगी ना, इसको समझने के लिए तो मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसी जन्म में समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। प्रीति जी, अरे अरे समझ में आ जाएगा, ये दुकान एक बार तैयार हो जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। आ जाएगा। आप जा रही हैं? हाँ पढ़ाने आई थी, हो गया, अब निकल रही हूँ। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे थोड़ी नाराज हूँ। क्यों क्यों क्यों? आप अक्सर यहाँ आती हैं और हमारे घर तक नहीं आती। आऊँ क्या? मैं तो राह देख रही थी आप कब बुलाएंगी। आप इतना अच्छा खाना बनाती है कि महक वहां तक आती है, हम तो सिर्फ सूंघते रहते, खाते तो आपके पति है। वो तो इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने से उन्हें प्यार है, लेकिन आप तो सूंघकर भी नहीं आती। लगता है आपका कोई प्यार आपको वहां रोक लेता है। अरे आप बुलाकर तो देखिए, दौड़ी दौड़ी चले आऊंगी आपके लिए। मैं कहाँ चाहती हूँ कि आप अपने प्यार को ठुकरा कर चली आए, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आप रोज आए और अपने प्यार को साथ लेकर आए। कौन से प्यार की बात कर रही हैं आप? वही जो आपके दिल में बसा हुआ है, आपके चेहरे से नजर आता है लेकिन जुबान पे आने से कतराता है। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी तो जल्दी समझ जाइए, ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। तो मैं बात करूं महेश भाई साहब से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों बंधनों में बांधकर मेरी चिंताएं और बढ़ाती हैं आप। शादी के बाद तो चिंताएं शिफ्ट हो जाती हैं। पति जैसी आरामदायक और आसान चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं। हर पति आपके पति जैसे सीधा थोड़ा ही होता है, कोई कड़क गुस्से वाला होता है तो कोई आवारा बेपरवाह। ना बाबा ना, क्यों फंसाती है आप मुझे। हम औरतें फंसती कहाँ हैं, दिखती हैं। मर्द जरूर अलग अलग किस्म के होते हैं, पर हम औरतों की आदत एक जैसी होती है, एक ही गुण में परिपूर्ण। और वो गुण मन पता है क्या है? क्या? सुनो सबकी, करो मन की, और अगर पढ़े गए तो दे दो मायके की धमकी। लेकिन मायके की धमकी देने से पहले
उन्हें इतनी अपनी आदत डाल दो कि वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल लाचारी महसूस करे। क्यों, है ना फायदा ही फायदा? हाँ, चेतना तो आपने मेरी जगह दी है, फिर भी है तो ही दिलों का रिश्ता। और अभी मैं किसी भी नए रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या आप महेश भाई साहब को नहीं चाहती? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप दोनों को मिलने से रोक रही है? वो मैं बताना नहीं चाहती। डरती हूं जो खुशियां मैंने आप लोगों से पाई है वो कहीं खो न दूं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी मजबूरी जानने के बाद हम आपकी मदद कर सके। आप जानती हैं मैं शादीशुदा हूं। हाँ, लेकिन अब तो आप उनसे अलग हो चुकी हैं ना। हाँ, बात तो सच है कि हम अलग रहते हैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। लेकिन हमारा तलाक अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या आप वापस उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। मैं तो उन्हें अभी तलाक देना चाहती हूँ, पर वो देना नहीं चाहते, और उनके आगे मेरा क्या किसी का भी बस नहीं चलता, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि देश के क्राइम रिकॉर्ड्स में उनका नाम सबसे ऊपर है। पल ये रुकते नहीं, फिर क्यों हो ना दुखी, खड़ी है अगले कदम तेरी एक नई खुशी।